हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टिचिंग मेड इजी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्टिचिंग कोर्स हमने शुरू किया है उन लोगों के लिए जिन्हें सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती। आज उसका 6th डे है और हम सिंपल शलवार आपको बनाना सिखा रहे हैं। उसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों आपको सिखाएंगे। शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। आप अपने नाप के हिसाब से शलवार की लंबाई चेक कर लें कि कितनी रखनी है। मैं यहाँ 36 इंच रख रही हूँ तैयार, और इसके लिए 40 इंच कपड़े की लंबाई रखनी है। 2 इंच नीचे से फोल्ड होगी और 2 इंच ही ऊपर से फोल्ड होगी। ये शलवार बेल्ट के बगैर सिंपल, क्योंकि बिल्कुल सिंपल शलवार है इसलिए बेल्ट के बगैर बनाएंगे। और लेंथ इसकी 40 इंच है और 16 इंच चौड़ाई है इसकी। ये दो पीस हैं शलवार के, पंचे हैं ये। इसका दूसरा पीस है, इसकी लंबाई ज्यादा है। इसकी साइड से जितना भी पीस उतरा है वो मैंने सारा रख लिया, लंबाई सारी इसकी रखी है। चालीस इंच के फासले पे इस तरह निशान लगाना है मुझे। इसी तरह दूसरी तरफ से भी 40 इंच के फासले पे निशान लगाना है। इस तरफ से भी मैंने 40 इंच के फासले पे निशान लगाया था और इस तरफ से भी 40 इंच के फासले पे निशान लगाया है। पोंचे का पीस मेरे पास थोड़ा खुला है पोंचा, इसलिए मैं जो कुंदा बनाना है ना उसका, उसे ज़्यादा नहीं रखूँगी, सिर्फ 1 इंच रखूँगी यहाँ से। और यहाँ से भी 1 इंच। अब इन्हें इस तरह मिला लेंगे। अब यहां से काट दें इस तरह। और ये इस तरह अभी पांचे वाले पीसों को रख के देख ले इस तरह। पांचे वाले, ये पांचे, ये गुंजे, ये पोंचा है। हाँ, जो नीचे आता है। हाँ, नीचे आता है नहीं। हम्म, इसको कहते हैं, इसे कहते हैं पोंचा और ये गुंदा होता है। और ये 2 इंच ऊपर से छोड़ना है, उसके बाद यहाँ से रखना है 15 इंच, ठीक है, यहाँ आधा इंच सिलाई का, ये काट देते हैं। Thank you.
अब ये पीस जुड़े हुए हैं, इन्हें इस यहाँ से काट लो। बस कटिंग कंप्लीट। चले अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। ये शलवार का पीस है कुंदे वाला, इसको इस तरफ से सिलाई लगा लें। ये कुंदे का दूसरा पीस है, इसको भी जोड़ के इसे भी ऐसे जोड़ के सिलाई लगा देंगे। यहाँ से थोड़ा सा छोड़ लेंगे इतना प्लास्टिक डालने के लिए। इसे खोल के ये देखें, इसे ऐसे खोलना है। और पांचे का जो कपड़ा है उसे इसके साथ मिला के सिलाई लगा देनी। अब ये कुंदे वाला पीस दूसरा जोड़ना और सिलाई लगा देनी है। मैं आपको तब तक वीडियो से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। अगर आपको वीडियो क्वालिटी से कोई कंप्लेन है तो मैं बता दूं कि हम वीडियो तो HD में ही अपलोड करते हैं, लेकिन क्योंकि YouTube के सर्वर्स को हर रोज़ हज़ारों वीडियोज़ मैनेज करना होती हैं, इसलिए वो वीडियोस को कंप्रेस करके कम पिक्सल्स वाली क्वालिटी में रखते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन से वीडियो देख रहे हैं तो आपको राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, इसे क्लिक करें। और अगर लैपटॉप या कंप्यूटर से वीडियो देख रहे हैं तो गियर वाला आइकन जो सेटिंग्स के लिए होता है इस पर क्लिक करके क्वालिटी पर क्लिक करें। कुछ फ़ोन्स में 480 पिक्सल्स की ऑप्शन होती है और कुछ में 1080 पिक्सल्स तक की भी ऑप्शन होती है। आपको आपका फ़ोन जो हाईएस्ट क्वालिटी शो करे आप उसमें वीडियो प्ले कर सकते हैं, और जबकि लैपटॉप कंप्यूटर में मोस्टली 1080 पिक्सल्स की ही ऑप्शन आती है। 720 पिक्सल्स या 1080 पिक्सल्स हाईएस्ट क्वालिटी जो भी आपको शो होगी आप इस पर क्लिक करेंगे तभी वीडियो उस क्वालिटी में प्ले होगी। और इस तरह से आप वीडियो रेजोल्यूशन को खुद कंट्रोल करके उसी क्वालिटी में वीडियो देख सकेंगे। अब इसका एक पोंचा रह गया जोड़ने वाला, और इसके साथ ये भी जोड़ देंगे। अब इसकी आखिरी सिलाई रह गई है, सारे पीस जुड़ गए हैं, इसे पकड़ के इस तरह।
आप इसको ऊपर से फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ सिलाई लगानी है इलास्टिक डालने के लिए। इसको थोड़ा सा अंदर मोड़ेंगे और आधा इंच तो ये हो गया ना, और 2 इंच के फासले से इस तरह इतना कपड़ा मोड़ना है। यहाँ 2-2 इंच के फासले पे निशान लगा लें, आसानी से फिर सारी सिलाई एक जैसी आएगी। थोड़ा सा छूना नहीं ऊपर से, इस तरह से यानी 2 इंच के फासले पे लगा रही हूँ। आधा इंच अंदर चला जाएगा और 1.5 इंच का ये रह जाएगा। ये तमाम जो जोड़ है यानी कि आप अपने हिसाब से ऐसे 2 इंच के फासले पे निशान लगा लें, सारा ये जो कपड़ा अंदर मोड़ना है एक जैसा आएगा। ऐसे इस तरह यहाँ से पकड़ा ऐसे और इस तरह अंदर मोड़ के ऐसे। अब इसके पांचे को सिलाई लगाते हैं। ये थोड़ा थोड़ा बच गया है कुंदे वाली साइड से, तो ये मैं काट देती हूँ, बराबर कर लेती हूँ काट के इस तरफ से भी। अच्छा, अब ये 3 सेंटीमीटर चौड़ी बुकरम की पट्टी है और लंबाई पोंछे के हिसाब से रखेंगे। इसे इस तरह जोड़ना है। मैं पहले इस तरह सिलाई लगाऊंगी। अब इसे इस तरफ मोड़ के यहाँ सिलाई लगानी है ऐसे।
सिलाई लगाई है, आप इसे इस तरफ से सिलाई लगा लेते हैं किनारे पे बिल्कुल। अब जब पोंछे की सिलाई लगानी है तो यहाँ से जोड़ के इस तरह से ऐसे इस तरह सिलाई लगानी है। ये पोंछा क्योंकि खुला है ज्यादा तो मैं यहाँ तक रखूंगी। इसी तरह दूसरा पोंछा भी तैयार कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करके बता दें कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप आइंदा क्या सीखना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।